सब्सक्राइब करें पंकज दवानिया चैनल को, इस लाल बटन को दबा के उस बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। दोस्तों, मैं पंकज दवानिया। आज आपको मैं, ये इंजन है 7.5 KV का, और इसमें मैं बताऊंगा। इसमें बैक कंप्रेसर है, मतलब ऑयल सारा बॉडी पे खिंचता रहता है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है तो इसमें आओ देखते हैं क्या क्या दिक्कत होती है। दोस्तों, ये देखें, ये इंजन हमने खोल लिया है, और ये हम किराए का जनरेटर है हमारा, किराए पे लगाते हैं हम। तो ये देखें, क्रैंक भी इसकी कटी हुई है, इसका हमने जुगाड़ करके चला रखा था काफ़ी टाइम से, और जो ऐसे ही हमारा चल रहा है। पर इसमें हमारी एक दिक्कत थी कि इसमें ऑयल पूरी बॉडी पे खिनाता रहता था, ऑयल कम करता रहता था। काफ़ी लोग होते हैं जैसे, उनको हमने कमेंट देखा कि ऑयल कम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक ऑयल कम के बढ़ने के काफ़ी होती है। तो आज हम एक ये लेते हैं, इसमें हमने देखा है कि बैक कंप्रेसर के चक्कर में ये सारा ऑयल खिना देता है। तो ये देखें, इसमें रिंग, इसकी रिंग देखें कितनी ढीली है इसमें, और इसके दूसरे वाले नीचे वाले में देखें वो कितनी ढीली है, वो बिल्कुल फिक्स है, और ये काफ़ी गैप है। आप ये देख सकते हो, ये हम चीज़ कितने मिस्त्री हों उन्हें पता होगा, और जो हमारे भाई हैं नए हैं, तो जो नए व्यूवर हैं उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो हम उनके लिए बना रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसमें हम काफ़ी चीज़ बताएंगे, जो आप इसमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़्यादा करोगे तो हम इसके बारे में और भी बारीकियाँ बताएंगे जो ज़्यादा फॉल्ट होते हैं। तो ये एक तो पिस्टन में ये कमी है कि बैक कंप्रेसर इसलिए बनाए काटेगा कि टॉप की रिंग इसमें खालचा लूज है, इस वजह से ये हमारी ये दिक्कत करती है। तो ये देखें, मैंने CR दिखा रहा हूँ आपको, ये CR है इसका, इसमें हमने पेपर लगा के चलाया था। ये देखें, ये पेपर लगा हुआ है इसमें, तो ये हमारी स्टेंडर की है, और ये कट गई थी तो हमने इसे खोला नहीं, इसमें हमने जुगाड़ करा और इसे चला दिया। ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है, और ये देखें CR अब भी नहीं कटा हुआ है। मैं CR के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और आप जब पूछोगे, तो जब मैं और इसके ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो बना दूंगा, CR कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा CR कहाँ लगाना चाहिए, और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्रैंक सीज हो जाती है, क्या होता है क्या नहीं, तो इनके फॉल्टों के बारे में हम क्लियर करेंगे। तो ये चीज़ है। तो ये देखें, मैंने पिस्टन के बारे में आपको बताया, पिस्टन में ज़्यादा जगह होती है तो ये दिक्कत करता है, बैक कंप्रेसर ज़्यादा आता है। और हमारा ये लाइनर देखें, ये लाइनर है, और इसमें लाइनर, इस पर गैसकेट लगती है, यहाँ पे आपने सबने देखा होगा जनरेटर में जब खोलते हैं हेड। तो ये देखें, ये हमारा लाइनर सही बैठा हुआ है, पर अंदर की सीट चेक करते हैं हम, उतनी ज़्यादा नहीं कट रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है कि जब हमारे अंदर का लाइनर कटा होता है तो उसमें पिस्टन लूज होता है, तो भी बैक कंप्रेसर मारता है और हमारा ऑयल रोकर बक्से के थ्रू ऊपर भेजता है, या जहाँ भी हल्की सी उसे जगह मिलेगी वहाँ पे वो लेकिन शुरू कर देता है। तो ये देखें, इसे भी हम देखेंगे, गजन पिन में प्ले है नहीं है। तो जब भी हम जनरेटर खोलते हैं, सब चीज़ हमें चेक कर लेनी चाहिए कि इसके लॉक कैसे हैं, बोल्ट कैसे हैं, इसकी पिन कैसे लगी हुई है, कैसी नहीं है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम ज़्यादातर इन चीज़ों का ध्यान नहीं करते, हम देखते हैं मेन चीज़ में क्या है और उसे कर देते हैं। फिर बंदा दुखी होता है, कस्टमर हमारा, तो हम उसे, वो कहता है अभी तो करा था फिर कैसे हो गया। तो हमें बार बार कंप्लेंट नहीं लानी। ये हमारा हेड है, देखें, हमने हेड भी चेक करा इसमें पानी गिर के, ये देखें इसके वाल लीक हो रहे हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हमने खोला, हमारा बढ़िया चल रहा है, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, इसमें ग्राइंडर लगवा लेना चाहिए, एमरी, या हमें वाल गाइड चेंज कर देने चाहिए, जिससे हमें आगे के लिए सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि हमारा ये इमरजेंसी में चलता है, क्योंकि लाइट में जब जनरेटर टेंट में चलता है तो वहाँ पर इमरजेंसी के लिए रहता है, तो हमें ऐसे नुक्ते याद होने चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उसके लिए। तो ये चीज़ है, तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो, और आप कमेंट करोगे तो हम वीडियो में और बताएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।